Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. वैक्सीन नहीं लगवानी तो टैक्स दें कनाडा का नई हमत अमली पर गौर माहरीन की सूबाई हुकूमत के नए कानून की मुखालफत ऑनटेरी हुकाम ने क्यूबे के हेल्थ टैक्स को लोगों को सज़ा देने के मुतरद करार दिया है कैनेडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद छब्बीस लाख से तजावज कर गई हुकाम का शहरियों कोरोना की चौथी खुराक लेने का मशवरा सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है खुफिया अतला पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई घर में बम बनाने और ममनु असला रखने वाला मुबैना मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम पर मुख्तलिफ नौत के अठारह जमानत आयद किए गए हैं मिज़ाइल तजुर्बाते बाद अमरीका ने शुमाली कोरिया पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी नई पाबंदियों का मकसद शुमाली कोरिया को मिज़ाइल प्रोग्राम में मज़ीद पेशरफ से रोकना है शुमाली कोरिया ने कुछ दिनों के वक्फे से तीन मिजाइल तजुर्बा किए हैं अमरीका का दाखिली दहशत गर्दी के खिलाफ यूनिट कायम करने का फैसला हुकाम का कहना है कि नसल परस गुरु की जानब से धमकीयों का सामना है ये अफराद्र तजुमाना कार्रवाइया अंजाम देते हैं कोरोना का सबसे बड़ा वार दुनिया में दो दिन में 60 लाख से जायद केसेस रिकॉर्ड डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल और हाथ नर्म मुलायम और साफ आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर करें www .greenish .com. एक दिन में बासठ अमवात के बाद कनेडियन सूबे क्यूबेक ने उन रिहायशियों से हेल्थ टैक्स वसूल करने का ऐलान किया है जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में एक दिन में बासठ अमवात के बाद कैनेडियन सूबा क्यूबैक ने उन रिहायशियों से हेल्थ टैक्स वसूल करने का ऐलान किया है कि जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई क्यूबैक के सिर्फ बारह आठ फीसद रिहायशियों को वैक्सीन नहीं लगाई गई है कनाडा के सूबे क्यूबैक के इंतजामिया ने करोना वैक्सीन न लगवाने वालों सेहत के शोबे में अखराज में हिस्सा लेने पर गौर शुरू कर दिया क्यूबैक कनाडा का दूसरा सबसे ज्यादा गुंजान आबाद सूबा है यहाँ बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं लगवाई सूबे की इंतजामिया ने कोविड से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वाले बाल अफराज से सेहत के हिस्से के नाम से इजाफी टैक्स लेने की तैयारी शुरू कर दी इजाफी टैक्स का मकसद लोगों में बुनियादी इनफरादी हकूक और इज्तमी समाजी जिम्मेदारियों के बारे में शूर को उजागर करना है सूबा क्यूबैक के प्रीमियर ने इस हवाले से कहा है कि वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराध दूसरों पर इजाफी माली बोझ का बायस बन रहे हैं इसलिए सूबाई महकमा खजाना एक बड़ी रकम का तयन कर रही है जो कि गैर वैक्सीन न करवाए गए रिहाइशों को अदा करनी होगी प्रीमियर ने कहा कि गैर वैक्सीन शुदा लोगों ऐसी रकम की वसूली के कवायद जवाब तय किए जा रहे हैं ये टैक्स उन लोगों से नहीं लिया जाएगा जिन्होंने तबी मसायल की वजह ऐसी वैक्सीन नहीं लगवाई दूसरी जानब माहरीन का कहना है कि टैक्स की वसूली का एकदम अदालती चाराजोई का शिकार भी हो सकता है सिया और देसी बिरा के लिए काम करने वाले बुकला का कहना है कि हिफाजती टीके न लगवाने वालों पर जुर्माने की अदायगी करने की तजवीज कनाडा के वबाई अमल में अदम मसावत को उभारने का खतरा है और पसमानदा लोगों आरोप एक और बोझ डालता है कनाडा में वैक्सीनेशन से मुतालिक कौमी मशावरती कमेटी कनेडियन शहरीों को वैक्सीन की चौथी खुराक के लिए कतार में लगने का मशवरा दे रही है इस हवाले से मज़द जानते हैं कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद २६ लाख से तजावज़ कर गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है कनाडा में वैक्सीनेशन से मुताल कौमी मशावरती कमेटी कैनेडियन शहरियों को वैक्सीन की चौथी खुराक के लिए कतार में लगने का मशरा दे रही है कैनेडा में वजी अजम जस्टिन टूडो ने कहा की उनके मुल्क ने तमाम अहल कैनेडियंस के लिए बूस्टर के साथ साथ चौथी खुराक हासिल करने के लिए कोविड 19 वैक्सीन की काफी खुराकें हासिल करनी है आखिरी इतलात के मुताबिक कैनेडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद छब्बीस लाख चौबीस हजार सात सौ सतासी तक जा पहुँची है जबकि हलाकते तीस हजार नौ सौ सत्तावन हो गई मुल्क भर में इक्कीस लाख इक्यानवे हजार सात सौ सोलह से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं ऑनटेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद आठ लाख छियानवे हजार दो सौ अड़तालीस तक जा पहुँची है जबकि हलाकतों की तादाद दस हजार तीन सौ निन्यानवे है कैनेडा में कोरोना वायरस के सब सबसे ज्यादा हलाकते सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद सात लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ छिहत्तर है जबकि सूबे में करोना वायरस के, के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद बारह हजार अट्ठाईस तक पहुँच चुकी है कैनेडियन सूबे में भी इस मौलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है सूबे में चार लाख सत्रह हजार पाँच सौ तैतीस अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि तीन हजार तीन सौ बावन हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में केसेस की तादाद दो लाख छियासी हजार अस्सी है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद दो हजार चार सौ उनचास है ट्रंटो पुलिस ने खुफिया इतला पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपने घर में ही बम बनाने और दीगर असलाह तैयार करने का कारखाना लगा रखा था मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में ट्रटो पुलिस के एक ऐलामिया के मुताबिक पुलिस ने ट्रटो के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपने घर में ही बम बनाने और दीगर असलाह तैयार करने का कारखाना लगा रखा था पुलिस का कहना है की तलाशी के दौरान क्रॉस बुक और दो घरेलू बमों समेत मुताद हथियार और धमाका खेज मवाद कब्जे में लेने के बाद पर्दे जुर्म आयद की गई है पुलिस का कहना है की मस्कुरा शख्स को एक खुफिया इतला पर कोइंस स्ट्रीट ऐसी गिरफ्तार किया गया एमरजेंसी टास्क फोर्स पुलिस डॉक सर्विसेस और पब्लिक सेफ्टी रिस्पॉन्स टीम की मदद ऐसी मेजर क्राइम यूनिट के अरकान ने एक पते और गाड़ी आरोप सर्च वारंट के जरिए कार्रवाई की पुलिस ने बताया कि टोरंटो के रिहाइशी डैनियल लाइटोलर को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुमानियत के हुक्म के खिलाफ हथियार रखने धमाका खेस मवाद रखने ममनुमा हथियार रखने और छुपाया गया हथियार रखने के अठारह इल्जाम लगाए गए पुलिस का कहना है की मस्कूरा शख्स के घर और गाड़ी ऐसी मुख्तफ इकसाम के पाँच हथियार दीगर खतरनाक सामान बरामद हुआ है पुलिस तर्जुमान के मुताबिक उनतालीस साल डैनियल लाइट बॉलर ऐसी तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है की वो ये असल किन मकासद के तहत बना रहा था शुाली कोरिया की जानब से तीन मिसाइल तजुर्बात के बाद बाइडन इंतजामिया ने शुमाली कोरिया को मिसाइल प्रोग्राम में मदद फरहम करने की बुनियाद पर शुमाली कोरिया की छः और एक रूसी कंपनी पर पाबंदियां पाबंदियाँ कर दी मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में मिसाइल तजुर्बा के बाद अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर नई पाबंदियाँ कर दी गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानब से तीन मिजाइल तजुर्बा के इंतजामिया ने शुमाली कोरिया को मिज़ाइल प्रोग्राम में मदद फराम करने की बुनियाद पर शुमाली कोरिया की छह और एक रूसी कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी अमरीका ने रूसी पर इल्जाम आयद किया है की कि उसने शुमाली कोरिया के मिजाइल प्रोग्राम के लिए रूस और चीन ऐसी मुख्तलिफ पुरजों की खरीदारी की अमरीकी महकमा खजाना के बयान में कहा गया है की नई पाबंदियों का मकसद शुाली कोरिया को मिसाइल प्रोग्राम में मजीद पेश रफ्त से रोकना है शुमाली कोरिया ने कुछ दिनों के वकफे से तीन मिसाइल तजुर्बा किए हैं जिनमें दो मिसाइल तजुर्बाज गुजशत हफ्ते किए गए सफ़ेद फार्म मतसब ग्रो और जानब से धमकियाँ मिलने के बाद अमरीका ने दाखिली दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए नया यूनिट कायम करने का फैसला किया है मजीद तफ़ीत इस रिपोर्ट में सफेद फाम मुतासिब गोह और हुकूमत मुखालान की जानब से धमकियां मिलने के बाद अमरीका ने दाखिल दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए नया यूनिट कायम करने का फैसला किया है वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीका के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि २०२० में ट्रंप के हिमायतियों की जानब से किए गए कैपिटल हिल पर हमले के बाद बाइडन इंतजाम ने महकमा इंसाफ में दाखिल दहशत गर्दी के खिलाफ यूनिट कायम करने का फैसला किया है नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मेथिव ऑल्सन ने सेनेट की अदिया कमेटी में कहा कि तशद पसंद कारकुनान की कानब से मिलने वाली धमकियों में इजाफा हो गया है ये वो अफराद हैं जिनकी माशर्ती और सियासी मकासद है और इसी के लिए ये पुरतशद मुजमाना कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं ऑल्सन ने बताया कि मुल्क में इंतहा पसंदों का उनके मुंतशिर नज़रियात और शिकायात होती हैं हमें धमकियों का सामना ऐसे गिरोह की जानब से है जो नसल परस्ती पर यकीन और हुकूमत की मुखालफत में इंतहाई सख्त होते हैं और ऐसे लोगों में बिलखसूस सफ़ेद फ़ाम फ़हरिस्त हैं। दो दिन में दुनिया भर में केसेस की तादाद साठ लाख से ज्यादा हो गई चार दिन के दौरान एक करोड़ से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए 2019 से शुरू होने वाली आलमी वबा से अब तक 31 करोड़ से ज्यादा मुतासर हो चुके हैं जबकि हराकतों की तादाद पचपन लाख से ज्यादा है मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कोरोना का सबसे बड़ा वार दुनिया भर में एक दिन में 31 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड दो दिन में दुनिया भर में केसेस की तादाद साठ लाख से ज्यादा हो गई चार दिन के दौरान एक करोड़ से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए 2019 से शुरू होने वाले आलमी वबा से अब तक 31 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं जबकि हलाकतों की तादाद पचपन लाख से जायद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुतनबे किया है कि अगले छः से आठ हफ्तों के अंदर कोरोना की नई किस्म ओमिक्रोन अपनी लपेट में ले चुकी होगी ये तखमीना दो हज़ार बाईस के पहले हफ्ते में पूरे यूरोप में रिपोर्ट होने वाले सत्तर लाख नए केसेस के बाद लगाया गया है दो हफ्तों के अरसे में इन्फेक्शन की तादाद दुगनी से ज्यादा हो गई है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन वैक्सीन शुदा अफराध के लिए शदीद बीमारी का सबक नहीं बनती है इसके बावजूद अमरीका में कोरोना वायरस के अस्पतालों में एक दिन में एक लाख पैतालीस हजार ऐसी जायद मरीज दाखिल हुए जो अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी तादाद है जिनमें पैतालीस हजार के करीब बच्चे शामिल हैं भारत में गुजश्तर चौबीस घंटों में कोरोना वायरस के एक लाख चौरानवे हजार से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं जबकि साढ़े चार सौ के, के करीब अमवात भी सामने आई अमरीका और यूरोप में कोरोना भी काबू हो गया है अमरीका में मज़ीद सवा छह लाख फ्रांस में साढ़े तीन लाख इटली में दो लाख बीस हजार जबकि बरतानिया और स्पेन में सवा लाख से जायद केसेस सामने आ गए तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात चौरासी हजार एक सौ पच्चीस तक जा पहुँची हैं जबकि के केसेस एक करोड़ एक लाख पचानवे हजार सौ छिहत्तर हो चुके हैं सऊदी अरब इसी फहरिस्त में चौंसठवें नंबर पर पहुंच चुका है जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमार आठ रिपोर्ट हुई हैं जबकि ममलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद पाँच लाख तिरानवे हजार पाँच सौ पैंतालीस तक जा पहुंची है टैक टी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.